72 फॉर पॉइनर एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, उद्योगों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो फ्रेंड्स, एमपी की राजधानी भोपाल यदि देखी जाए तो कीटनाशक उद्योग के लिए जानी जाती है, तो इसका पहला विकल्प सही होगा भोपाल। जबकि यदि जबलपुर आप देखें तो जबलपुर सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस है। बाकी सीमेंट उद्योग के लिए यदि यदि आप देखिए चुर्क है या चुनार है तो ये यूपी में बहुत फेमस है, या दादरी हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सीमेंट, पोरबंदर। तो 1914 में पोरबंदर में स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पेट्रो रसायन नागथेन, बिल्कुल ठीक विकल्प है। तीसरा चीनी सिलवासा, सिलवासा दादर नगर हवेली की राजधानी है, देखा जाए चीनी उद्योग के लिए नहीं जानी जाती, तो विकल्प यही ठीक होगा जो सुमेलित नहीं है, चीनी सिलवासा। चौथा विकल्प चेक कर लेते हैं, लौह एवं इस्पात राउरकेला, तो यह भी विकल्प बिल्कुल ठीक है। तो आंसर होगा तीसरा, चीनी सिलवासा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम, बंगलुरु, पुदुचेरी, औरंगाबाद। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए तो हैविया हैविया ब्राजीलियंसिस जो है सर्वाधिक रबर उत्पादकता के लिए ये पेड़ जाना जाता है, जो 5 से 6 वर्ष के अंदर ही रबर उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और ये अमेरिका में पाया जाता है। भारत की यदि चर्चा की जाए तो भारत में ये मैसूर या उसके क्षेत्रीय इलाकों में पाया जाता है, इसके साथ साथ श्रीलंका में पाया जाता है। पंजिम गोवा में स्थित है, जो रबर उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो इसका पहला आंसर होगा पंजिम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विकल्प है रामागुंडम उर्वरक, तो बिल्कुल ठीक है, रामागुंडम उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, जो यदि देखा जाए आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है फ्रेंड्स, तो रामागुंडम वर्तमान समय में तेलंगाना में पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, रामागुंडम वर्तमान समय में तेलंगाना उर्वरक के लिए फेमस है। दूसरा चितरंजन लोकोमोटिव, तो चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है, लोकोमोटिव के लिए फेमस है, तो बिल्कुल ठीक है। अगला कोरबा एल्यूमिनियम, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। अगला पिपरी कीटनाशक दवाएं, तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए पिपरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये जल विद्युत के लिए जाना जाता है, ना कि कीटनाशक दवाओं के लिए, तो इसमें सम्मिलित नहीं है चौथा, पिपरी कीटनाशक दवाएं। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? विकल्प है नागल, सिंदरी, आलवे, ट्रांबे। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे पहला उर्वरक संयंत्र जो था वो 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था, और ये सिंदरी जो है बिहार राज्य में है, तो इसका दूसरा विकल्प ठीक होगा सिंदरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है आंवला उर्वरक, दूसरा नेपानगर कागज, तीसरा सिंदरी तांबा, चौथा नरौरा अड़ू शक्ति। तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए तो अभी लास्ट प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा की कि 1951 में सिंदरी में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था बांदा में। तो सिंदरी तांबा ये जो विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। विकल्प हैं फूलपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा हजीरा गुजरात में, तीसरा हल्दिया पश्चिम बंगाल में, चौथा सीवान बिहार में। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का प्रयागराज या फूलपुर में भारत का सहकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। तो इस दृष्टिकोण से फूलपुर उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। विकल्प हैं गुजरात पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा पेट्रोन रसायन कारखाना जामनगर यदि देखा जाए तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है में स्थित है। गुजरात में बड़ौदा में भी जो है पेट्रोल रसायन का बहुत महत्वपूर्ण कारखाना है, या पश्चिम बंगाल में हल्दिया में भी देखा जाए पेट्रोल रसायन का कारखाना है, किंतु सबसे बड़ा कारखाना जामनगर गुजरात है। तो पहला विकल्प ठीक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। विकल्प है 1965, 1971, तीसरा 1974, चौथा 1956। फ्रेंड्स यदि देखा जाए उड़ीसा में राउरकेला और छत्तीसगढ़ में भिलाई और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र हैं, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के अधिकार में आते हैं। वर्ष 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंध के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो किसी भी चारों विकल्प में नहीं दे रखा है। तो याद रखेगा 1973 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं। पहला विकल्प है अमलाई, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दे रखा है, तो पहला ही विकल्प सुमेलित नहीं है। अगले चेक कर लेते हैं। अगला है बल्लालपुर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, कागज उद्योग के लिए फेमस है। तीसरा ब्रजराजनगर उड़ीसा, ये भी कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस स्थान है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये भी बहुत फेमस स्थान है, तो पहला ही विकल्प सुमेलित नहीं है। अमलाई छत्तीसगढ़, फ्रेंड्स याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के स्थान पे ये MP में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं है। ऑप्शन है कर्नाटक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए तो भारत की सर्वाधिक कागज की मिलें लगभग 127 गुजरात स्टेट में है, किंतु गुजरात जो है विकल्प में दे नहीं रखा गया है। तो गुजरात के पश्चात यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज की मिलें हैं लगभग 115 के आसपास, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। विकल्प हैं पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, दूसरा महाराष्ट्र में मुंबई,
तीसरा गुजरात में अहमदाबाद, चौथा उत्तर प्रदेश में कानपुर। तो फ्रेंड्स, भारत में सूती वस्त्र का कारखाना सबसे पहले कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में आप कह सकते हैं फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किंतु यदि फ्रेंड्स देखा जाए तो ये सफल कारखाना नहीं माना जाता है, शीघ्र ही इसका पतन हो गया था, ये बंद हो गया था। और फिर उसके पश्चात 1854 में सफल कारखाना जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई? विकल्प मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोलकाता। तो फ्रेंड्स, लास्ट प्रश्न पे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 1818 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है प्रथम कपास मिल की स्थापना की गई, तो चौथा विकल्प ठीक होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला कोयाली गुजरात, बिल्कुल ठीक विकल्प दे रखा गया है। दूसरा नागपट्टनम आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में ना होकर के तमिलनाडु में स्थित है, तो दूसरा ही विकल्प सुमेलित नहीं है। अगले विकल्प चेक कर लेते हैं। तीसरा नुमालीगढ़ असम, बिल्कुल ठीक है। चौथा मनाली तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प मोरी झारखंड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा अलवाई केरल, बिल्कुल ठीक विकल्प दे रखा है। तीसरा धर्मापुरी उड़ीसा। फ्रेंड्स यदि देखा जाए धर्मापुरी उड़ीसा में ना होकर के ये भी लास्ट विकल्प की तरह तमिलनाडु में स्थित है, तो तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। चौथा कोयाली गुजरात, बिल्कुल ठीक है। तो अगले प्रश्न पे फ्रेंड्स चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड पार्क क्या है? तो फ्रेंड्स यदि डायमंड पार्क की चर्चा की जाए तो ये ऐसे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो जवाहरातों और आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो विकल्पों में देख लेते हैं। पहला विकल्प कह रहा है ये राष्ट्रीय पार्क हैं, तो सही नहीं होगा। ये वे स्थान हैं जहां तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं, तो ये भी बिल्कुल विकल्प ठीक नहीं है। तीसरा, ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनवाए गए हैं, तो फ्रेंड्स तीसरा विकल्प उपयुक्त है। चौथा, ये वे केंद्र हैं जहां बड़ी बड़ी ऊर्जाएं परियोजनाएं स्थापित होती हैं, तो ये भी विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर तीसरा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स पंजाब का लुधियाना जो है वो होजरी उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प लुधियाना दे रखा गया है, तो इसका तीसरा आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए उद्योग क्षेत्र के कुल जल उपभोग का लगभग 88% जो है वो ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है, तो चौथा विकल्प ताप शक्ति दे रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा चौथा ताप शक्ति। जबकि वस्त्र उद्योग लगभग 2.07% उपभोग करता है। यदि कागज एवं लुगदी उद्योग को देखें तो ये 2.26% उपभोग करता है, और यदि अभियांत्रिकी देखें तो ये लगभग 5% का उपभोग करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला कोलकाता, हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, तो बिल्कुल ठीक विकल्प दिया हुआ है। दूसरा छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी,
तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए सिर्फ काशी जो औद्योगिक क्षेत्र है ये छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बल्कि तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो दूसरा विकल्प ही सुमेलित नहीं है। अगले विकल्प चेक कर लेते हैं, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ बिल्कुल ठीक है। चौथा अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा आंसर होगा छोटा नागपुर क्षेत्र, सिर्फ काशी सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? विकल्प हैं छोटा नागपुर क्षेत्र, दूसरा अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, चौथा मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु क्षेत्र, चौथा कोलकाता हुगली क्षेत्र। तो फ्रेंड्स अभी लास्ट प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा किया था कि शिवकाशी जो क्षेत्र है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो यदि हम तीसरा विकल्प देखें मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ही आता है, तो इसका तीसरा आंसर होगा मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये आज का अपना लास्ट प्रश्न था, अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।